बार फोन मच जा रहा है, जरूर इसके फोन में कुछ है। मैं तो कहती हूँ इसका फोन ही गायब कर देते। देखिए तो सही क्या सुराग लेके बैठा है हमारे खिलाफ। पर कैसे? तेरी की अब इतनी बड़ी खबर के लिए छोटी गाड़ी में जाना पड़ेगा। यार कोई बात नहीं, इतनी बड़ी खबर लेके जा रहा हूं कि धर्मपाल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाएगी। अरे यार जब गाड़ी की हवा निकाल दी है तो मत जाना, आज दूसरी गाड़ी निकल रही है तो। अरे यार ये तो आज हमें सही करके ही मानेगा। एक काम करते हैं, तू जानता नहीं है किससे पंगा ले रहा है? अरे कौन है भाई? अरे कोई है? खोलो भाई। हाँ? भाई नहीं हो क्या? प्लीज। अरे क्या चाहिए बोलो ना, मैं देने को तैयार हूं। अरे मुझे अंधेरे से डर लगता है यार, समझा करो। दूसरों के घरों में अंधेरा करने वाला अंधेरे से डरता है। चल। देना फोन। अरे खोलो। चलो आज के लिए तो बला टली, किसी को हेल्प के लिए फोन भी नहीं कर पाएगा। फोन तो मेरे पास है। क्या कह रहा था? 7:30 बजे तड़पते हुए पाए जाओगे। और मैं अकेला नहीं आऊंगा, कागज लेके आऊंगा। चल देखते फोन में है भी क्या। हाँ। अरे ये तो पासवर्ड है, पुतू अनलॉक कर सकता है? अगर पासवर्ड पता हो तो आप भी कर ही सकते हो दीदी। मार इसको। यार पासवर्ड क्या होगा इस उल्लू के पट्टे का? उल्लू का पट्टा? मॉल यही बनेगा। मैं तो कहता हूँ हाथी मजा ट्राई कर लो। कुछ भी, पीएचडी हो सकता है। पीएचडी? अरे नहीं, आलू। आलू की रिसर्च कर रहा था ना वो। आलू तू ट्राई कर। अरे मैं जीनियस हूँ, मेरे को दो। धर्मपाल। काटेलाल एंड सन्स। यस, मेरा नाम होगा गोट पुतू गोट। आज तो रोक लिया, पर यो ना मुसीबतों का बूमरांग है, देखना फिर से लौट कर आएगा ही आएगा। तू एक काम कर बहन, बढ़िया सी चाय बना छोटी इलायची डाल के, फिर मैं तुझे ऐसी आइडिया देती हूँ ना कि जगत तो क्या, जगत के बाप की भी सिट्टी मिट्टी गुल हो जाएगी। लो जी डट गए।
हाँ भाई छोटे, आज नहीं करे खों 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 खों। अरे भाई पानी वाली पूछ ले, सारी रात बजाना इन लोगों को। ना किस बात का जश्न मना रहा है, ना शादी तय हो गई तेरी। हाँ फीलिंग तो वैसे ही आ रही है। वो क्या है ना, मेरी महबूबा काटेलाल एंड सन्स और मेरे बीच की दूरियां खत्म होती नजर आ रही है। पिछली बार सूखे सूखे आया था और धमाका कर गया था, और आज तो ढोल धमाके के साथ आया है। हे माता रानी, हमारा राज बचा लेना प्लीज। एक तो राज भी इतने सारे इकट्ठा कर रखे ना हमने, ये भी ना पता कौन से झूठ के लिए माता रानी से प्रे करे। भगवान ही जाने क्या हाथ लगा इसके। जिस दिन गर्दन हाथ आई थी ना, उसी दिन उड़ा देना चाहिए था इसको। जगत, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं तुझसे बुरा तो मैं हूं, वो क्या है ना कि मैंने पीएचडी कर रखी है बुराई में, लेकिन आज तेरी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा धर्मपाल। वो क्या है ना कि आज भगवान ने मुझे दूरदर्शन वाली शक्ति दी है, क्योंकि आज जो मैं देख सकता हूं ना वो तू नहीं देख सकता। इसीलिए कह रहा हूं अंदर चल के बात करते हैं, खामखा लोग सुनेंगे तेरी बदनामी होगी। हाँ देख के रहा है शिशुपाल, दरवाजा बंद कर दे। ना ना ना, मैं कोई पार्टी करने थोड़ी आया हूं यहाँ। अरे मैंने तो होटल में आज डांस फ्लोर बुक कर रखा है, ये छोटा सा काम निपटा के फिर वहीं पार्टी करने जाना। वो क्या है ना धर्मपाल, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे हर्डल पार करने पड़े हैं। किसी छोरे ने मेरी गाड़ी को पंचर कर दिया, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, और तो और किसी ने मेरे को ऑफिस में भी बंद कर दिया। लेकिन ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं सारी चीजें लांग के आ गया। अरे घर में कोई टीवी भी ना है क्या, बड़ा सा बिग स्क्रीन? अब ये बड़े पर्दे वाली खबर इस छोटे से मोबाइल की स्क्रीन में दिखानी पड़ेगी। यार कोई बात नहीं, छोरियो आ जाओ। बाबी जी आप भी आ जाओ। अरे आंटी जी आओ ना। अरे बहुत मजा आएगा, पूरा परिवार जब मिलके देखेगा ना उसकी तो बात ही कुछ और है। आप ही बताओ धर्म भाई साहब, ये मैं आपको बाहर दिखा सकता था? अरे अपने घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। और इसी बात पे ये दूसरी देखो। तो इसको लेकर बंदर इतना उछल रहा था, खोदा पहाड़ नहीं खुला चूहा। अब बंदर तो बंदर होता है ना, उसे हीरे और पत्थर का डिफरेंस कैसे पता होगा? देख धर्मपाल, तेरी छोरियां नौकरों के साथ पूरे रोहतक में तेरी इज्जत उछालती फिर रही हैं। अरे रुहेल खानदान का झंडा गाड़ रही हैं। ये गुन्नू और सत्तू तेरी दुकान के कारीगर ना है, अरे तेरी छोरियों के आशिक है। कैसे चिपक के बैठी है, अरे हवा भी ना पास होने दे रही। हाँ
मुझे लगता है और ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि तू अब अपनी छोरियों से अकेले में बात करना चाहता है। बोल दे अपनी फेवरेट लाइन, जगत घर से बाहर निकल जा। नौकरों के साथ? जी 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 भाई साहब, मैंने ना पहले कही थी कि इन छोरियों को ना ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। अब देख लो आपको, मतलब हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा ना इन्होंने। डट जा चंचल, इस नेवले को जा लेने दे, तने बहुत मौके मिलेंगे टोट मारने के। अरे भाभी जी का मुंह बंद करने से क्या होगा, ऐसी खबरें तो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। अब ये सोचो अगर मैं ये फोटो किसी को भेज दूं, मतलब गलती से, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। स्टॉल पे, चाय पे, अरे लोगों के घरों में चर्चा होगी कि धर्मपाल की छोरियां देखो कैसी रसीली निकली। जैसा दिख रहा है ऐसी कोई बात ना है। हाँ पापा, वो गुन्नू सत्तू के साथ तो हमारा फिर हो ही नहीं सकता। Yes, ताऊजी, this is not technically possible, ताऊजी। ये हमारे घर में लड़ाई लगवाना चाह रहा है। He don't know nothing। पापा वो एक्चुअली बस। तुम तीनों ने जितना बोलना था बोल लिया और जितना मैंने सुनना था सुन लिया। तुम तीनों सीढ़ियां पकड़ो और अपने कमरे में होड़ लो और तब तक वही रहना जब तक मैं नीचे आने को ना बोल लूं। पर पापा एक बार अभी। पर पापा एक बार हमारी साइड की स्टोरी ना। पापा क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, कमरे में जाओ अभी। मम्मी ले ना सुशीला, आज कोई बहस ना, अभी जाओ कमरे में। धर्मपाल भाई साहब, आपने ना सदा मुझे पराया समझा जबकि शुरू से मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ था। ये गुन्नू और सत्तू झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं, इसका पता किसने लगाया? यो सुसु आई मीन शिशु जी ने? नहीं, मन ने। और ये अपने घर की छोरियों की खोज खबर कौन रख रहा है? जगत, आप मानो या ना मानो बट आई एम फैमिली। आप व्हील चेयर से नहीं उठ सकते तो क्या हुआ? अरे कल सवेरे गुन्नू सत्तू को कुत्ते की तरह मारते हुए हाथी बाजार की हद से बाहर फेंक के आएगा आपका ये छोटा भाई। आप तो बस इन पेपर पे साइन कर दो शीघ्र। इस जगत की तो लात पूजा करनी पड़ेगी, मार मार के ना लाल पीला कर देना। दीदी, इसको रुक जा दीदी। सुशीला चुप कर जा, कंट्रोल कर अपने आप को। लगता है इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा हो गई, डाइजेस्ट नहीं हो रही। नहीं Thank you.
ठंडा पानी पियो और थोड़े ठंडे हो जाओ, उसके बाद कागजा पर साइन कर देना। तेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया मैंने। छोरिया मेरी है जगत, उनका भला भी मेरा, उनका बुरा भी मेरा। तू निकल। ना ठीक कह रहा धर्मपाल, छोरियां तेरी, उनका भला भी तेरा, पर तेरी छोरियों का बुरा ये मेरे पे छोड़ दे यार। पराया ना कर। अरे रे 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 भाई साहब ने गिल्ले कर दिए कागज। कोई बात ना, सुखा के फिर साइन करवा लेंगे। तो क्या है, अभी तो पार्टी का टाइम हो गया है। आ तो भाई, ये तमाशा देखने आए हो? अरे बजा ढोल। पापा ने जो क्लियर कट बात बोली वो तेरे भेजे में घुसी के नहीं, हमारी जिंदगी से दूर रह सपोले, वरना तुझे लट्टू की तरह ऐसा घुमा दूंगी कि तू खुद समझ ना पाएगा रुकना कहाँ है। मैं इन दो चूजों को फंसा के तुम अपने आप को शिकारी तो ना समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आइडिया के पैरासूट को तो मैं पहले ही हफ्ते से काट चुका हूँ, और तुम चारों की तो मैं इतनी बदनामी कर दूंगा कि वो दोनों परमानेंटली दुकान से बाहर और तुम दोनों परमानेंटली घर के अंदर। अरे बंद करने के अलावा धर्मपाल के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, तो इसलिए ना ज्यादा उड़ने की जरूरत ना है। तो ऐसे ही उल झलूल सपने देखते रहेगा। तू ना ही तो हमारी फैमिली में फूट डाल सकता है और ना ही हमारी दुकान को टच कर सकता है। ओ हेलो, सारे खानदान ने कोई कोर्स कर रखा है क्या? अंदर बाप भाषण दे रहा है, ऊपर छोरियां लगी हुई हैं। अरे हमारा तुम्हारा तो चलता रहेगा, पहले जाके अपने बूढ़े बाप को संभाल लो। वो क्या है ना,
अब इस गली से जो मेरा रिश्ता बना है ना, उसे मैं भूलूंगा नहीं। अब हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। कभी लंच पे आऊंगा तो कभी डिनर पे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.